हरे कृष्ण नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रश्नाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति शास्त्री भगवद गीता हिंदी में। हम लोगों ने पिछली बार श्लोक नंबर 15 तक देखा था, अध्याय नंबर 4 के। इसके पहले कि हम भगवद गीता को स्टार्ट करें, हम गुरु शिष्य परंपरा का एक बार दर्शन करते हैं। एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौर किशोर भक्ति विनोद बलदेव जगन्नाथ विश्वनाथ नरोत्तम कृष्णदास रघुनाथ जीव रूप स्वरूप सनातन श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी नित्यानंद अद्वैत माधवेन्द्रपुरी लक्ष्मीपति व्यासतीर्थ ब्रह्मण्यतीर्थ पुरुषोत्तम जयधर्म राजेन्द्र विद्यानिधि दयानिधि ज्ञान सिंधु जयतीर्थ अक्षोभ्य माधव नुहरी पद्मनाभ मध्व व्यास नारद ब्रह्मा श्री कृष्ण हरे कृष्ण। जस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको देता हूँ ये शुरू करने के पहले। अध्याय नंबर जो भक्त पिछले क्लास में नहीं थे, बहुत सारे लोग सुन नहीं पाए पिछले क्लास को, तो अध्याय नंबर 3 में श्लोक नंबर 35 से लेकर अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 15 तक ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक संवाद चल रहा है। अर्जुन का प्रश्न था तृतीय अध्याय में, जब भगवान ने अर्जुन को कहा कि आप कर्म योग कीजिए, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग के तुलना में आपके लिए कर्म योग एक श्रेष्ठ मार्ग है क्योंकि आप क्षत्रिय हैं और गृहस्थ हैं। तो फिर अर्जुन ने भगवान से यह कहा कि लेकिन इस मार्ग को पालन करने के लिए जो योग्यता चाहिए वो मुझ में नहीं है। जैसे कि अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि मैं कोशिश तो करता हूँ कर्मयोग करने की, अपने इंद्रियों को वश में रखने की, लेकिन ये जो काम रूपी शत्रु हैं वो मुझे परेशान करता है, तो इससे कैसे बचा जाए। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं कि अर्जुन इसको बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चतुर्थ अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। आपको समझना होगा कि आप ये जो जड़ शरीर है जो पदार्थों से बना हुआ पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, उसके बाद आपका जो मन है आपका जो बुद्धि है, इस सबसे परे एक आत्मा हो और आत्मा में स्थित रहते हुए आप आत्मा को किस तरह से कार्य करना चाहिए ये अगर जानोगे तो आप कभी भी इस शत्रु से परेशान नहीं रहोगे और साथ में आप कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाओगे। तो उसी प्रश्न का उत्तर देते देते चतुर्थ अध्याय में जो भगवान ने प्रथम श्लोक में बताया कि ये जो ज्ञान है कि काम किस तरह से रोकना चाहिए, ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तब अर्जुन पूछते हैं कि लेकिन वो तो बहुत जमाने पहले हैं और आप अभी के हैं तो आपको कैसे याद है। तब फिर भगवान अपने बारे में दिव्य ज्ञान देना चालू करते हैं, बोलते हैं कि आपका और मेरा जन्म अलग अलग है, मेरा जन्म आपके जैसा नहीं है, जो पिछले अवतार में जो मैंने जो भी चीज़ें की हैं वो मुझे याद रहती हैं लेकिन आपको याद नहीं रहती। तो इस तरह से और भी चीज़ें भगवान अपने बारे में बताते हैं कि जब जब धर्म का नाश होता है, धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मैं इस दुनिया में अवतार लेता हूँ, साधु लोगों की रक्षा करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। और फिर इससे भी बढ़कर मेरे आने का उद्देश्य केवल ये नहीं कि मैं एक दुनिया में एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करूँ कि चलो भाई मैंने जो दुष्ट लोग थे उनको ख़त्म कर दिया, अच्छे लोगों को सत्ता पे लाया और ये दुनिया ठीक से चलती रहेगी और मैं चला गया। नहीं, इसके परे भी मेरा एक रोल है कि मैं आपको इस दुनिया से परे लेके जाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको धर्म अर्थ और काम और उसके बाद हो सके तो मोक्ष, लेकिन वो मोक्ष भी ब्रह्म ज्योति तक का ही, हालांकि बहुत सारे लोग उसकी कल्पना भी नहीं है कि मोक्ष क्या है, लेकिन धर्म अर्थ और काम केवल ये चीज़ों को देने के लिए इस दुनिया में नहीं आता हूँ। तो भगवान चतुर्थ अध्याय के 9वें श्लोक में बोलते हैं जन्म कर्म च वे दिव्यम यव्यम यव्यति तत्वता तप्त्या देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन।
कि अगर आप मेरे जन्म और कर्म के दिव्यता के बारे में जानोगे, मेरे लीलाओं के बारे में समझोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, तो आप इस दुनिया से मुक्त हो सकते हो। तो मैं इस दुनिया में केवल इसलिए नहीं आता कि किसी धर्म की स्थापना करूं, एक भौतिक धर्म की, एक रिलीजियस ऑर्डर को स्थापित करने के लिए, लेकिन मैं आपको, आपका चित्त मेरी तरफ आकर्षित करने के लिए आता हूं, ताकि आप मुझ में अपना चित्त बनाएं और मृत्यु के अंतिम क्षण में मुझे स्मरण करके आप मेरे धाम में वापस लौट आए। तो ये नौवें श्लोक तक बताया था। फिर दसवें श्लोक में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, दसवें श्लोक से लेकर पंद्रहवें श्लोक तक। दसवें श्लोक में बताते हैं कि अगर भगवान का जन्म, कर्म ये सब दिव्य है और इसको जान के हम भगवत धाम वापस लौट सकते हैं, तो इसको जानने में क्या बाधाएं हैं। तो तीन बाधाएं हमने देखी थी, वीतराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रित बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव अगतग। तो तीन प्रकार के जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो बाधाएं हैं, पहली बाधा है राग यानी कि आसक्ति, दूसरा भय और तीसरा क्रोध। इन तीनों चीज़ों के ऊपर कैसे कंट्रोल करना है और कैसे मेरी तरफ आना है, ये भगवान उस श्लोक में बताते हैं। और प्रभुपाद विस्तार से उस श्लोक का एक सुंदर विश्लेषण वहाँ पे दिया है। फिर ग्यारहवें श्लोक में भगवान बोलते हैं, अर्जुन एक प्रश्न आता है कि अगर आपका जन्म कर्म इतना दिव्य है और आप ये जो तीन समस्याएं जो बताई हैं आपने, राग भय और क्रोध, इनको दूर करके आप मेरी तरफ आ सकते हो, तो फिर भी सब लोग आपके पास क्यों नहीं आते हैं। तो उसके उत्तर में ग्यारहवें श्लोक में चतुर्थ अध्याय के भगवान बोलते हैं कि देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को सबके लिए उपस्थित नहीं किया है, मैं सबके लिए हूँ, लेकिन जो जो व्यक्ति जिस भाव से मेरी तरफ आएगा, मेरे पास आएगा, उसी भाव से मैं उसके साथ व्यवहार करता हूँ। इसलिए अगर आप, आपके पास पुस्तक रहेगी सामने तो देखिए, आपका थोड़ा रिकैप भी हो जाएगा। चतुर्थ अध्याय का श्लोक नंबर 11, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् हम। और भगवान ये बोलने के बाद अभी अगर आप एक श्लोक में जाएंगे 12वें नंबर में, कांक्षित कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता शुप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिम भवति कर्मजः। अर्जुन का दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि भगवान, अगर आप जो आपके पास आता है उसको उसके अनुसार व्यवहार करते हो, लेकिन फिर भी इतना छूट देने के बाद भी आपके पास लोग क्यों नहीं आते हैं। तो फिर भगवान बोलते हैं कि इन जो जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, उनको किसी भी चीज़ में तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, तो तुरंत तो मैं रिजल्ट देता नहीं हूँ, मैं पहले परीक्षा करता हूँ, परखता हूँ कि ये चीज़ उस व्यक्ति के लिए सही है या नहीं है। बाकी जितने भी देवता हैं वो ये सब चीज़ में कभी भी किसी चीज़ को देने के पहले टेस्ट नहीं करते कि ये उस व्यक्ति के लिए अच्छा या नहीं है। जिस तरह से मैंने उदाहरण दिया था लास्ट टाइम आपको कि एक समझो छोटा बच्चा है, उसके पास कुछ पैसे हैं, तो वो अगर दुकानदार के पास जाता है तो वो कुछ भी अगर मांगेगा तो दुकानदार दे देगा, क्योंकि दुकानदार को पैसा कमाने से मतलब है। लेकिन अगर बच्चा वही चीज़ अगर माँ के पास जाके मांगेगा तो माँ दो बार सोचेगी कि ये चीज़ उस बच्चे को देनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि माँ ही सोच सकती है कि इससे उसको लाभ होता है या नुकसान होता है, लेकिन दुकानदार नहीं सोचता है। उसी तरह का मेंटेलिटी देवता और भगवान में है। भगवान हमें जो कुछ भी देना चाहते हैं पहले सोच समझ के देते हैं। तो उस स्टेशन हमने देखा था वहाँ पे 12वें श्लोक में। उसके बाद भगवान 13वें श्लोक में बोलते हैं कि इस दुनिया में मैंने एक रचना बनाई है समाज की, चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागश। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था कि काम को कैसे वशीभूत किया जाए, काम को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो भगवान बोलते हैं कि ये काम की समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, ये अनादिकाल से समस्या चलती आ रही है, और इस समस्या को, इस समस्या से मनुष्य जाति को पार करने के लिए ही ये चार वर्ण और चार आश्रम की व्यवस्था बनाई गई है, चातुर्वर्ण, ताकि किसी भी चीज़ को अगर आपको प्राप्त करना है तो उसको इररिलीजियस तरीके से प्राप्त करने से अच्छा आप इसको रिलीजियस तरीके से प्राप्त कीजिए, ताकि आपको इससे कर्म भी नहीं लगेगा और आप इस चीज़ को धीरे धीरे कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो ये 13वें श्लोक में बोला गया था। फिर 14वें श्लोक में भगवान एक बहुत ही अपने बारे में दिव्य चीज़ बताते हैं। भगवान बोलते हैं कि नमाम कर्माणि लिप्पन्ति नमे कर्म फले स्पुहा इति माम योगी जानाति न कर्मविद
न सबद्धते। भगवान बोलते हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। यानी कि भगवान बताते हैं, जैसे 13वें श्लोक में बताते हैं कि इस चतुर्वर्ण का मैंने बनाया है सिस्टम, लेकिन मैं इस सिस्टम में नहीं हूँ। यानी कि सिस्टम को बना के मैंने रखा है, अब जो व्यक्ति सिस्टम में आना चाहता है वो आए या फिर नहीं आए। जैसे कि एक स्कूल में या एक यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे स्कूल भी है यूनिवर्सिटी भी है, कोई व्यक्ति पीएचडी में रहता है, कोई व्यक्ति सेकंड क्लास में रहता है, फर्स्ट क्लास में रहता है। तो अगर कोई बोलेगा अरे ये फर्स्ट क्लास में क्यों है, पीएचडी में क्यों नहीं गया है, या फिर ये टेंथ क्लास में क्यों है, ये पीएचडी में क्यों नहीं जा रहा है, या ये कोई भी व्यक्ति अभी तक डिग्री में क्यों है, पीएचडी क्यों नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर है। अगर वो चाहे तो वो पीएचडी भी कर सकता है, चाहे तो भी वहीं रह सकता है जहाँ पे है। तो इस तरह भगवान बोलते कि ये जो फ्रेमवर्क मैंने बना के रखा है, लेकिन इसके अंदर कौन से पोजीशन में अपने आप को सिचुएट करना है ये मैं डिसाइड नहीं करता हूँ। जैसे कि कॉलेज का एडमिन डिसाइड नहीं करता है कि कौन कौन से क्लास में पढ़ेगा, ये डिसाइड करने वाला स्टूडेंट होता है। उसी तरह भगवान बोलते कि सिस्टम मैंने बनाया है, लेकिन सिस्टम के अंदर कौन कहाँ बैठेगा ये मैंने नहीं, उसको फोर्स नहीं करता हूँ, जिसको जहाँ बैठना है बैठ जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि मैं इस सिस्टम का करता हूँ और करता नहीं भी हूँ। और आगे के श्लोक में बोलते हैं कि मुझे किस पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है और नहीं मैं किसी कर्म फल की कामना करता हूँ, क्योंकि मुझे किस कोई भी इस दुनिया में ड्यूटी नहीं है। मैं ड्यूटी केवल किसके लिए करता हूँ? देखिए, हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो डिज़ायर यानी कि इच्छा उस कार्य को करने की, या फिर ड्यूटी। या तो हम डिज़ायर से करते हैं या ड्यूटी से करते हैं। भगवान को ना तो डिज़ायर है ना ही ड्यूटी है, तो केवल इसीलिए कर्म करते हैं हमारे दयावश, कंपैशन के खातिर। इस दुनिया में जब भगवान आते हैं, भगवान ये सोचते हैं कि मैं जब इस दुनिया में अवतरित होऊंगा तो मेरे जो लीलाएं हैं, जो मेरे जो अद्भुत प्रसंग हैं इस दुनिया में जो मेरे भक्तों के साथ मैं करता हूँ, उन सबको बाद में जो आने वाली जो पीढ़ी है वो सुन के, भगवान की दिव्य लीलाओं को सुन के मुक्त हो जाएगी। ये विचार लेके भगवान इस दुनिया में लीला करते हैं। तो इसलिए भगवान को किसी भी कार्य का कर्म नहीं लगता है। और ये जो चीज़ जानेगा वो भी भगवान का शरण लेने का कोशिश करेगा, क्योंकि वो समझेगा कि भगवान हर मुक्त कर्म से मुक्त है, तो वो मुझे भी अपने मेरे कर्मों से मुक्त कर सकते हैं। तो ये 14 श्लोक तक देखा था हमने, तात्पर्य में भी बहुत सारी चीज़ें प्रभुपाद ने बताई हैं। आप सब लोग इसको स्टडी कीजिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इसका रिकॉर्डिंग पिछले क्लास में नहीं हो पाया, इसीलिए क्षमा चाहता हूँ। किसी को इस पीछे के सेक्शन के बारे में कुछ प्रश्न रहेगा पढ़ते समय तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा बाद में। तो अभी आज शुरू करते हैं श्लोक नंबर 16 से। फिर 15 में भगवान बोलते हैं कि इस तरह से पूर्व जमाने में इस दिव्य ज्ञान के ज्ञान को लेकर बहुत सारे जो मुमुक्षु भी लोग हैं, यानी कि जिसको मुक्ति पाने की इच्छा थी, जैसे जनक महाराज थे, विवस्वान महाराज थे, इन सब लोगों ने इस तरह कार्य करके इस दुनिया से मुक्त हो गए। तो बेसिकली भगवान ने अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि काम को कैसे रोका जाए, काम को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये भी साथ में बता दिया कि ये सब लोगों ने काम के ऊपर विजय प्राप्त की, साथ में ही कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त की। और ये सब लोग कौन थे? गृहस्थ लोग थे, समाज में कार्य करने वाले लोग थे। ये कोई ऐसे विरक्त लोग नहीं थे जो जंगल में जाकर बैठे हुए हैं, लेकिन एक्टिवली सोसाइटी में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन सोसाइटी में काम करते हुए इस समाज में अपने आप को बंधन से कैसे मुक्त करना है, ये जो दिव्य कला है ये लोगों ने जानी थी। तो अर्जुन, आप जो विचार कर रहे हैं कि आप वन में जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे, ये आप मत सोचिए, क्योंकि आपके पूर्व जमाने में जितने भी लोग होके गए हैं उन्होंने ये मार्ग नहीं अपनाया है। उन्होंने क्या किया है? समाज में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, अपने आपको इस तरह से जीवन में मतलब जीवन व्यतीत किया है कि वो जीवन जी रहे हैं और समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो व्यक्ति नहीं समझ पाते कि कैसे कर्म किया जाए, और साथ में मुक्त भी हो रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं आज 16वें श्लोक से। अभी ये जो सेक्शन है, आप मैंने आपको ये कई बार दिखाया है, आप एक बार देख लीजिए, जिस किसी ने नहीं देखा है कैप्चर कर लीजिए। तो अभी हम बेसिकली श्लोक नंबर 16 से 24 के बीच में चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 16, तो श्लोक नंबर 35 तीसरे अध्याय के लेकर श्लोक नंबर 15 चौथे अध्याय के, ये श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद चल रहा था, प्रश्न उत्तर, काम को कैसे रोका जाए, काम कैसे रोका जाता है। अभी फिर भगवान वापस जो अर्जुन का मूल प्रश्न था, कर्मयोग करूं कि ज्ञान योग करूं, तृतीय अध्याय में वो डिस्कशन जो 34वें श्लोक तक चल रहा था,
33वें श्लोक तक, उसको वापस वहाँ पे चालू करेंगे यहाँ पे आके श्लोक नंबर 16 में। तो श्लोक नंबर 16 को पढ़ लेते हैं हम लोग। किम कर्म किम कर्मेति कवयो पत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्षामि यज्ञत्वा मोक्षशे शुभात्। अनुवाद, कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो यहाँ पे अब ये जो 16 नंबर श्लोक है, 16 से 24 थोड़ा टेक्निकल डिस्क्रिप्शन आएगा, लेकिन आप सबको समझने लायक है, इतना कठिन भी नहीं है अगर आप ध्यान देकर सुनेंगे। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि देख अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों की बुद्धि भी काम नहीं करती है। जैसे कि एक उदाहरण दिया जाता है, महाभारत अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, या महाभारत आप लोगों ने अगर कभी देखा होगा टीवी सीरियल या बुक में कहीं पढ़ा होगा, तो महाभारत के युद्ध के शुरू में, मतलब महाभारत युद्ध शुरू होने के पहले अर्जुन सबसे भ्रमित थे कि ये लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए। उसी के लिए तो भगवान ने गीता बतलाई ये समझाने के लिए कि ये लड़ाई क्यों लड़नी चाहिए। तो युद्ध होने के पहले अर्जुन भ्रमित थे, और युद्ध होने के बाद युधिष्ठिर महाराज भ्रमित थे। कहते हैं कि युद्ध होने के बाद जब केवल 5 पांडव और सात्यकी और श्री कृष्ण इतने लोग उस युद्ध में से जीवित बचे हुए थे, तो कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को जब कुंती महारानी कहती है कि देखो हमारी तरफ ये जो कर्ण है ये एक्चुअली कौन थे, आपके भाई थे, और इनका अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अंत्येष्टि संस्कार करना पड़ेगा, आपको ये करना चाहिए। तो जब युधिष्ठिर महाराज जान जाते हैं कि अरे कर्ण तो हमारे मतलब एक तरह से भाई हो गए, तो कर्ण तो युधिष्ठिर महाराज तो और चिंता में पड़ जाते हैं कि अरे बाप रे, मैंने न केवल मेरे मतलब गुरुजनों को मारा, या फिर चाचा ताऊ या फिर ग्रैंड फादर जो थे वहाँ पे भीष्मदेव इन सबको मारा, बल्कि मैंने मेरे अपने सगे भाई को भी मारा है, तो मुझे कितना बड़ा कर्म लग रहा होगा या मुझे कितना बड़ा कर्म लगेगा। ये सोच के युधिष्ठिर महाराज एकदम मतलब कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या करूँ मैं। उसके बाद उसी प्रसंग में मतलब जितने भी वहाँ बैठे हुए ऋषि मुनि थे और उनके जो भाई थे माता थी, वो सब समझाने का प्रयास करते हैं कि युधिष्ठिर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो भगवान की इच्छा थी, भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए ये सब आपको निमित्त बना के सब किया गया। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज समझने को तैयार नहीं है। तो भीमसेन जी कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को व्यंग करते हुए कहते हैं कि आपने इतने बड़े शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली जो आपको इतना परेशान कर रहा था, आपको राज्य से बाहर निकाल दिया था, लेकिन इस वक्त आपका खुद का मन आपके लिए क्या बन गया है, बहुत बड़ा शत्रु बन गया है। तेजस एक व्यंग करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, अभी इस समय किसका अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो किसका है, आपका नहीं है, ऐसा युधिष्ठिर महाराज भीमसेन को कहते हैं। इस तरह से यह वार्ता वहाँ पर चलता रहता है। तो ये बताने का मेरा पूरा उद्दिष्ट यह था कि कर्म और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में धर्मराज जैसे व्यक्ति भी नहीं समझ पाते कि ये कर्म है सही या ये अकर्म है, क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए ये कार्य नहीं करना चाहिए। वैसे युधिष्ठिर महाराज पहले से सोच रहे थे कि युद्ध होने के बाद भी, युद्ध होने के पहले सोच रहे थे कि यार इतने सारे लोगों को मारना है, अब युद्ध होने के बाद भी सोच रहे कि इतने सारे लोग मर गए, अब इस साम्राज्य का भोग लेना है या नहीं लेना है, इतने सारे लोगों को मारने के बाद कितना हमें कर्म लग गया होगा, और अभी अगर इसका और भोग लेंगे तो कितना कर्म लगेगा, ये सोचते हुए पूरा भ्रमित है कि क्या करें, क्या किया जाए और क्या न किया जाए। इसीलिए इस श्लोक में बताया गया है कि किम कर्म किम कर्मेति कवयो पत्र मोहिता, कि कवयो यानी कि बुद्धिमान, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये तो इतने बड़े बड़े लोगों का उदाहरण है, लेकिन हमारे पर्सनल लाइफ में भी आप निजी लाइफ में देख सकते, कई बार हम समझ नहीं पाते कि ये एक्शन करूँ कि नहीं करूँ, ये मेरे लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है। और प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। यानी कि अगर आपको जानना है कि कर्म क्या है अकर्म क्या है,
सही क्या है गलत क्या है, तो क्या करना पड़ेगा आपको जानने के लिए, इससे पहले जो भी महाजन होके गए हैं, जो भी भक्ति में आचार्य होके गए हैं, इन आचार्यों का हमें क्या करना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा, उनका मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। इसलिए कई बार प्रभुपाद हमें तात्पर्य में लिख रहे हैं कि देखिए बीच में पेज नंबर 180 में लिखते हैं, कृष्ण महानामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण महानामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्योदय को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और इस पद्धति से तब से यह पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पदचिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण महामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो सकता है। और प्रभुपाद लिखते हैं लास्ट के पैराग्राफ में कि कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता, यानी कि आप ये नहीं सोच सकते एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ ये धर्म ऐसा है क्या, या मैं अपने अंदाज से अनुमान लगाऊंगा ये ऐसा हो सकता है ये वैसा हो सकता है, ऐसा नहीं। धर्म कौन देता है? साक्षात धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये भागवत का छठे स्कंद का तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक है, कहते हैं कि धर्म केवल भगवान ही दे सकता है। अगर जब भगवान ही धर्म दे सकते हैं तो धर्म को समझा भी भगवान ही सकते हैं, या फिर उनके जो बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके जो प्रामाणिक प्रतिनिधि है वही समझा सकते हैं, बाकी कोई नहीं समझा सकता। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। तो इसलिए अगर हमें जानना है कर्म क्या है या अकर्म क्या है, तो हमें किसका मार्गदर्शन लेना चाहिए, जैसे श्रील प्रभुपाद ऐसे भक्त जिन्होंने ये सब गीता के ऊपर कमेंट्री लिखा है, गीता सुंदर से ट्रांसलेट किया है, अगर आप इन सबको पढ़ेंगे तो आप जरूर समझ पाएंगे। तो ये हो गया श्लोक नंबर 16-17 नंबर श्लोक में जाते हैं। कर्मण्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणम, अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। लिखते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, जैसे कि हम पिछले श्लोक में देख रहे थे युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं पा रहे कर्म की बारीकियों को। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो अभी थोड़ा टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे आना चालू हुए हैं, हम एक काम करेंगे, हम श्लोक नंबर 18 को भी पढ़ लेंगे और फिर वापस इस श्लोक में आके दोनों श्लोक का जो तात्पर्य है उसको समझने की कोशिश करेंगे। श्लोक नंबर 18 देखिए क्या बोलता है। कर्मण्य अकर्मय सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। लिखते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, अभी थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहेगा लेकिन आप कन्फ्यूज मत होइए, धीरे धीरे इसको एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इंग्लिश में इसका और ही ज़्यादा सटीक थोड़ा अनुवाद है, टू सी एक्शन इन इनएक्शन इन एक्शन इन इनएक्शन, समझ रहे हैं आप, टू सी एक्शन इन इनएक्शन एंड टू सी इनएक्शन इन इन एक्शन, टंग ट्विस्टिंग है बहुत, लेकिन हमें हिंदी में उतना वो नहीं करना पड़ रहा है, हिंदी में सामान्य लिखा गया है कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो ये हो गया 17 नंबर का श्लोक और 18 नंबर का श्लोक। इन दोनों श्लोक में तीन प्रकार के नए टर्म्स आए हैं जो पहले भी आप देख चुके हैं। तो ये तीन टर्म है, एक तो है कर्म, दूसरा है अकर्म और तीसरा है विकर्म। दोनों श्लोकों को एक साथ ले रहे हैं हम। तो कर्म यानी कि रेगुलर नित्य कर्म आप जो करते हैं शास्त्र के विधि के अनुसार, जो कर्म दिया जाता है आपको, आप क्षत्रिय हैं तो आपका क्षत्रिय धर्म है, वैश्य हैं तो वैश्य का है, या फिर शूद्र हैं या ब्राह्मण हैं, ये सब अपने अपने शास्त्र में जो दिए गए हैं वो रेगुलर जो रूटीन वर्क है उसको कर्म बोलते हैं। ये हो गया कर्म एक साइड में। एग्जैक्टली इसके अपोजिट आता है विकर्म, यानी कि जो शास्त्र के पूरा विरुद्ध है और जो करने से आपको पाप लगता है वो है विकर्म। ठीक है, पहला हो गया कर्म जो शास्त्र के अनुसार बताया गया है, जो रूटीन हमारा काम है। दूसरा है एग्जैक्टली उसके अपोजिट, अगर शास्त्र में कहा गया होगा कि आप मतलब किसी भी वस्तु को खाने के पहले भगवान को भोग लगाए खाइए, ये हो गया अपना नित्य शास्त्र में दिया हुआ जो कर्म है नियत। और यहाँ पे क्या बोलेंगे विकर्म में,
बोगलाने की जरूरत नहीं है, भगवान है नहीं, अलग अलग सिचुएशन बताते हैं। तो ये हो गया कर्म और अकर्म, सॉरी कर्म और विकर्म, दो ही टर्म हमने देखा अभी। और तीसरा टर्म है अकर्म। आप कंफ्यूज मत होइएगा, वापस रिपीट कर रहा हूँ, कर्म उसके एग्जैक्टली अपोजिट विकर्म, और इन दोनों से अलग तीसरा अकर्म। अकर्म यानी कि वहाँ पे कर्म हो रहा है लेकिन उसको कर्म का बंधन नहीं लग रहा है, और जो ये पहला कर्म है उसमें कर्म कर रहा है लेकिन जो व्यक्ति कर्म करने वाला है उसकी चेतना के अनुसार, उसकी चेतना के वो हमें अभी देखेंगे डिटेल में कि उसको बंधन कैसे लगता है, उसके जैसे चेतना होगी उसके अनुसार उसको कर्म का बंधन लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन जो तीसरा और विकर्म में तो पक्का बंधन लगेगा, लगेगा नरक भी जाएगा वो, न केवल बंधन लगेगा। लेकिन अकर्म ऐसा कैटेगरी है जिसमें आप कर्म करेंगे फिर भी आपको बंधन नहीं लग रहा है। तो ये तीन चीज़ें हो गई, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो श्लोक नंबर 17 बताता है कि कर्म को, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अब देखिए इन तीन चीज़ों की जो व्याख्या मैंने बताई है आपको, कर्म, विकर्म और अकर्म, इसको हम इतना ही समझ सकते हैं, इसके आगे समझना कठिन है। इसीलिए देखिए क्या कहते हैं श्लोक के दूसरे लाइन में, अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहन कर्मणो गति। कहते हैं कि मनुष्य को जानना चाहिए, हाँ मतलब अनुवाद में पहले आया है, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। यानी कि ज़्यादा ज़्यादा आप यही समझ सकते हैं कि कर्म क्या होता है, विकर्म कैसा लगता है और अकर्म कैसे होता है। लेकिन जैसे युधिष्ठिर महाराज अपने आप में परेशान हो गए थे कि ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली, मुझे ये करना चाहिए, राज्य भोग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही टेक्निकल बारीकियाँ हैं, तो ये समझना बहुत कठिन है। देखिए जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि अगर आप कहीं सड़क से चल रहे हैं और चलते चलते आप अगर गिर गए, तो अगर आप सोचने की समझने की कोशिश करेंगे कि मैं क्यों गिर गया, तो हो सके आपको पता भी चले कि ओके पिछले जन्म में जब मैं सड़क से चल रहा था तो मैंने किसी को धक्का दे दिया था, बराबर, वो धक्का देने से मैंने किसी को गिरा दिया था और उसके फलस्वरूप उसका कर्म मुझे इस जन्म में मिला कि मैं सड़क से चलते चलते गिर गया। तो लेकिन ये जो चैन है, जो कर्म आपका बनते 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 आया, वो बहुत पुराना है। तो आप बोलेंगे ठीक है पिछले जन्म में मैंने किसी को धक्का दिया था, तो मैंने पिछले जन्म में धक्का क्यों दिया था उसको, तो अगर उसको टेक्निकल एनालाइज करते जाएंगे तो कितना आप जा पाएंगे, या फिर इस जन्म में आपको मतलब कोई अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ जो भी मिलती है, अगर समझो आपको पता चले कि अरे तीन जन्म पहले मैं एक सुअर की योनि में था, तो आपको याद करके कैसा लगेगा, या फिर कुछ भी घटना हो जाए उसको आप अगर एनालाइज करना चाहेंगे पीछे 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 कितना एनालाइज करेंगे, आप पूरा पैरालाइज हो जाएंगे एनालाइज करते करते। इसीलिए हमारे लिए एक तरह से अच्छा ही है कि आपको नहीं समझ में आता कि वो पीछे क्या क्या हुआ था, ओके मैं ऐसा गिरा था फिर उसकी वजह से हुआ था, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, एक तो इतना समझ में आपको याद नहीं आएगा इतने पुराने जन्मों का, लेकिन अगर भगवान याद भी दिलाते तो आपके लिए कितनी समस्या हो जाती। अगर समझो इस जन्म में आप यू नो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो सोचते हैं कि मैं अगर इतना समझो जैसे आते हैं अभी आजकल एडवर्टाइज आते हैं कोई भी किसी क्रीम का आता है, उस लोग सोचते हैं कि एक क्रीम लगाएंगे तो बहुत ही गोरे हो जाएंगे, राइट, समझो अगर त्वचा का रंग अगर गोरा नहीं है, या फिर किसी का त्वचा का ज़्यादा ही रंग गोरा होता है तो सोचता है कि थोड़ा मैं इसको फेयर डार्क बना लूँ थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो लेकिन अगर आपको पिछले मालूम पड़ेगा कि अरे पिछले जन्म में तो मैं बहुत ही सुंदर विश्व में सबसे सुंदर व्यक्ति था लेकिन इस जन्म में मैं नहीं हूँ, तो आप फिर क्या करेंगे, सोचते रहेंगे फिर मैं वैसा था वैसा क्यों नहीं हूँ, वैसा होना चाहिए, ऐसा कैसे मैं हो सकता हूँ, क्यों ऐसा हो गया। तो ये सोचते सोचते आप आपके पास जो है वो भी आप ठीक से उसको लाइफ में ले नहीं पाएंगे। ऐसे कई चीज़ें, इस जन्म में कोई गरीब रहेगा, पिछले जन्म में कोई अमीर रहेगा, तो सोचेगा कि मैं इतना अमीर था, मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, वो सारा मेरा पैसा किधर हो सकता है, क्या हो सकता है, इस तरह से एनालाइज करते करते आप पूरा लाइफ में मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसीलिए एक तो कर्म के बारे में समझना बहुत कठिन है और एक तरह से हमारे लिए अच्छा भी है कि हम नहीं समझ पाते हैं, राइट। तो 17 नंबर के श्लोक में विश्लेषण दिया गया है, अभी हम तात्पर्य में नहीं जाएंगे, अभी 18 के खाली श्लोक को देखते हैं कैसे बताया गया है। अभी 18 नंबर में क्या बोलते हैं,
कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अभी इस 18 नंबर से श्लोक से लेकर हम आज ज़्यादा कवर करेंगे 24 नंबर के श्लोक तक, क्योंकि उसका सेक्शन यहाँ पे 24 नंबर तक ही होता है, 16 से 24 कर्मयोग हमें कर्म बंधन से कैसे मुक्त करता है। तो बेसिकली कर्मयोग हमें कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी चेतना। हमारी चेतना जिस प्रकार रहेगी उस प्रकार हमें या तो बंधन में डाल सकती है या मुक्त कर सकती है। तो 18 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि हमें जो सामने से दिखता है वैसे नहीं देखना चाहिए। जैसे कि आपको उदाहरण देने के लिए अर्जुन का उदाहरण लेते हैं। अर्जुन ये सोच रहे थे कि इस युद्ध को अगर मैं लड़ाई करूँगा तो मुझे क्या लगेगा, कर्म लगेगा। लेकिन इसके विपरीत भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन अगर तुम इस युद्ध को लड़ोगे तो तुमको कर्म नहीं लगेगा। अब वो कैसे नहीं लगेगा उसका विश्लेषण यहाँ पे आगे भगवान देते जा रहे हैं कि तुमको कर्म कैसे नहीं लगेगा। लेकिन बताने का यहाँ पे पॉइंट है कि जस्ट एक्सटर्नली देख के किसी चीज़ का हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ये चीज़ ऐसे ही है या ऐसे नहीं है। जैसे अर्जुन सोच रहे हैं कि युद्ध करके मुझे कर्म लगेगा, लेकिन भगवान बोले नहीं ऐसा नहीं, उल्टा है ये, आप अगर युद्ध नहीं करेंगे तो उल्टा आपको कर्म लगेगा। कैसे लगेगा हमने पिछले कई अध्याय में देखा है। जैसे हमने देखा था कि भगवान बोलते हैं कि अरे आपका स्वभाव तो क्षत्रिय का है, आप अगर युद्ध नहीं करेंगे आप वैराग्य भी बनेंगे, कहीं वन में जाएंगे भिक्षा करेंगे, तो भी जब आप भिक्षा मांगने के लिए लाइन में खड़े हो जाएंगे तो आपको क्षत्रिय स्वभाव है, आप तो लाइन को तोड़ के आगे जाएंगे और सबसे पहले छीन के ले लेंगे, आप कर्म लगेगा उसमें क्योंकि आपने सब नियम को तोड़ के आगे बढ़ गए। लेकिन अगर आप युद्ध करेंगे, क्योंकि युद्ध करना आपके स्वभाव में है, लेकिन अगर वो युद्ध आप मेरे लिए करेंगे तो आप क्या होगा, कर्म नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही आता है कि मेरे लिए यानी कि भगवान के लिए। इसीलिए देखिए अब इसी पॉइंट को आगे बढ़ाने के लिए हम पिछले श्लोक के तात्पर्य में आते हैं कि कर्म में अकर्म कैसे देखना है और अकर्म में कर्म कैसे देखना है। यानी कि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है लेकिन एक्चुअली वो कार्य नहीं कर रहा है, उसको बंधन नहीं लग रहा है, वो अकर्म ही है। और कोई कोई व्यक्ति अकर्म करने का दिखावा कर रहा है लेकिन उसको कर्म लग रहा है। तो देखिए इसलिए पिछले श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं प्रभुपाद, यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। जो हमने पिछले श्लोक में देखा था कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। देखिए प्रभुपाद कितना स्लोली स्लोली उसमें घुस रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप कोई कर्म आप भगवान के लिए करते हो तो आपको बंधन नहीं लगता। देखिए कितने सारे ट्रांसलेटर इस दुनिया में हैं गीता के, लेकिन ये इतने टेक्निकल श्लोक हैं कि इसको अगर आप ऐसे पढ़ने जाओगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन प्रभुपाद जैसे आचार्य गण, इसलिए देखिए श्लोक नंबर 16 के जो तात्पर्य प्रभुपाद ने चीज लिखी है वो यहाँ पे कितनी स्पष्ट होती जा रही है कि अगर किसी भी आचार्य के मार्गदर्शन में अगर आप गीता पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि भगवान क्या बोलना चाहते हैं, कैसे जीवन जीना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि दूसरे शब्दों में जिसने यह भली बात ही समझ लिया है, ये मैं श्लोक नंबर 17 का तात्पर्य पढ़ रहा हूँ, जिसने भली बात ही यह समझ लिया है, यानी कि क्या समझ लिया है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ और मैं अपने भगवान के साथ अगर अपना दासत्व का संबंध जोड़ता हूँ, भक्ति का संबंध जोड़ता हूँ तो मुझे कोई कर्म नहीं लगता है। अगर वह यह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है, मतलब बता रहे हैं संपूर्ण भगवद्गीता का यही लक्ष्य है, इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्म एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। यानी कि सिंपल भाषा में कोई भी कार्य जो भगवान के लिए नहीं किया जाता, जो भगवान को लक्ष्य बना के नहीं किया जाता, यहाँ तक कि आपका सांस लेना, यहाँ तक कि आपका ये प्रवचन सुनना या ये मेरा प्रवचन देना, यहाँ तक कि आपका ये भक्ति शास्त्र का एग्जाम लिखना उसके उद्देश्य क्या है आपके, अगर उद्देश्य भगवान के लिए नहीं है, भगवान की प्राप्ति करने के लिए नहीं है, तो ये सारा का सारा आपको एक कर्म लगने के बराबर है। क्योंकि ये एक्टिविटी आप अपने लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि संपूर्ण भगवद्गीता का यही लक्ष्य है, इस भावनामृत के विरुद्ध, यानी कि मैं भगवान का दास हूँ ये भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष और परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है।
इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है। वापस बार बार बता रहे हैं कि इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भगवान के भक्तों का संग करना पड़ेगा। आपको काफ़ी समझ में आ रहा है क्योंकि आप प्रभुपाद जैसे भक्तों का संग ले रहे हैं, प्रभुपाद भी इतना क्लियरली ट्रांसलेशन दे रहे हैं, प्रपोर्ट दे रहे हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं आगे, यह साक्षात भगवान से समझाने के समान है। यानी कि कोई भी अगर प्रामाणिक अधिकारी कृष्ण भावनामृत में आपको समझाने की कोशिश करता है भगवद्गीता के दिव्य रहस्य को, भागवत के दिव्य रहस्य को, तो एक ऐसा है भगवान से खुद जानने के बराबर है, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त दोनों सेम मैसेज देने के लिए यहाँ पे आए हैं और दोनों का जो इच्छा है वही है कि आप भगवान की सेवा करें, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। इसीलिए कभी भी लाइफ में अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि मैं लाइफ में किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, आप एक बार गीता को कंसल्ट कीजिए। और अगर गीता को कंसल्ट करने के बाद भी आपको नहीं समझ में आता है तो गीता को समझने वाले अधिकारियों के पास चाहिए, जैसे प्रभुपाद हैं। अफकोर्स प्रभुपाद की गीता, इसमें प्रभुपाद खुद मौजूद हैं, उसके बाद भी आपको समझ में कठिनाई आए तो प्रभुपाद के शिष्य हैं जिन्होंने इस सुंदर तरीके से विश्लेषण दिए हैं गीता को समझने के लिए। तो ये श्लोक नंबर 17 में बताया गया। अभी श्लोक नंबर 18 में जाते हैं हम, उसका अनुवाद हमने देखा था 18 में, कि अभी इतना बताने के बाद कि 16 में क्या बताया कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे समझने में बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित हो जाते हैं, राइट। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ऐसे भगवान बोलते हैं अर्जुन को। उसके बाद 17 में बोलते हैं कि कर्म के बारे को समझना अत्यंत कठिन है, कर्मणा गहनो गति। फिर 18 में बता रहे हैं, मतलब थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि मनुष्य को कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यानी कि सेम चीज जो प्रभुपाद ने पिछले तात्पर्य में बताई थी कि अगर आप कोई भी कर्म करते हो लेकिन अगर वो कर्म आप मेरे लिए कर रहे हो तो वो कर्म करने की वजह से क्या है, आपको कोई भी बंधन नहीं लगेगा, आप मुक्त रहोगे। अब देखिए इस श्लोक को थोड़ा और एनालाइज करते हैं, 18 नंबर को। 18 नंबर श्लोक में जो पहली लाइन है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, ये हो गया लाइन ए, और जो अकर्म में कर्म देखता है ये हो गया लाइन बी। यानी कि कर्मण्य कर्माणि अकर्मय, और दूसरी लाइन ये हो गया ए लाइन, बी लाइन अकर्माणि कर्म पश्यत अकर्माणि च कर्मय, ठीक। अभी पहला पार्ट क्या है, टू सी एक्शन इन इनएक्शन। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अब होपफुली कन्फ्यूज नहीं हो रहे हैं, सिंपल चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, देखिए यानी गीता में भी सिंपल चीज़ बताई गई अगर ठीक से पढ़ेंगे तो। यानी कि कोई भी व्यक्ति कर्म कर रहा है लेकिन वो कर्म नहीं कर रहा है, कर्म कर रहा है लेकिन उसको उस कर्म का बंधन नहीं लग रहा है, यानी कि वो अकर्म करने जैसा है। यानी कि सिंपल भाषा में अकर्म मतलब भक्ति। मैंने तीन टाइम आपको बताया था, कर्म बताया था यानी कि रेगुलर रूटीन वर्क, विकर्म यानी कि पाप कार्य अपोजिट कर्म के, और तीसरा है अकर्म, क्योंकि रेगुलर कर्म करते करते भी हमें बंधन लगता है। आप अगर इस दुनिया में कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी चीज़ ले रहे हो, लेकिन उस चीज़ को लेते समय आपकी चेतना कितनी है, आपकी चेतना कैसी है, साफ है खराब है, उसके हिसाब से आपको उस चीज़ का मतलब जो गुण है वो लेना पड़ता है, उस चीज़ का संसर्ग आपको होता है, क्योंकि उस चीज़ के साथ उस प्रकृति के गुण एसोसिएटेड हैं। वो जो आपको कार्य करने का मेंटेलिटी है उसमें प्रकृति के गुण एक्शन में रहते हैं, तो वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपका चेतना दिव्य स्तर पे है तो आपको प्रकृति के गुण टच नहीं कर पाएंगे कि ये केवल भगवान के लिए। यानी कि यहाँ पे समझने की सिंपल चीज़ ये है कि इतने जितने भी श्लोक जाएंगे आगे या पीछे जितने भी गए, इन सब में आपको अगर कुछ समझ नहीं आया तो भी एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी कार्य अगर मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ तो उसमें से मुझे बंधन नहीं लगता है, राइट। तो ये एक पार्ट है, ए पार्ट। यानी कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि आपका लड़ाई करना ये कर्म है, राइट, लेकिन उस कर्म के अंदर क्या है, अकर्म है। यानी कि लड़ाई न करने जैसा ही है। यानी कि बताने का एक सिंपल उदाहरण लीजिए, अगर किसी भी व्यक्ति को समझो, अगर मैंने बंदूक लिया हाथ में
और मैंने किसी को भी मार डाला, तो मेरे लिए क्या हो गया, ये एक प्रकार का ऐसा एक्शन हो गया जो मुझे नहीं करना चाहिए, इससे मुझे कर्म लग सकता है, राइट। एक तरह से विकर्म भी हो गया, लेकिन यही कर्म या सो कॉल्ड विकर्म अकर्म तब होता है जब मैं ये शूटिंग का एक्टिविटी किसी मिलिट्री या पुलिस अधिकारी के डायरेक्शन में करता हूँ। मुझे ऊपर से ऑर्डर है कि आप ये टेररिस्ट इसको मार डालिए, तो मुझे कुछ टेंशन नहीं, क्योंकि मेरे को ऑर्डर कहाँ से आया है, ऊपर से आया है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऊपर के ऑर्डर का है, क्योंकि उन्होंने वो फ्रेमवर्क बनाया, गवर्नमेंट ने वो सिस्टम बनाया कि ये सही है ये गलत है, जो गलत है उसको हटाना है, जो सही है उसको रखना है। वैसे ही भगवान ने एक सिस्टम बनाया है कि इस दुनिया में जो पापी लोग हैं उसका मुझे विनाश करना है, तो भगवान उसके लिए अवतरित हुए हैं और भगवान ने अर्जुन को अपना निमित्त बनाया है। तो अर्जुन को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इन्हें मार रहा हूँ, मैं तो केवल एक निमित्त हूँ और मैं भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ। इनको जो भी हिंसा हो रही है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, उनकी है। और जो उन्होंने जब सिस्टम बनाया है वैसा, तो वो उसको हैंडल करेंगे। आपको हैंडल नहीं करना है, आपको केवल निमित्त बनना है। लेकिन अगर आप भगवान के निमित्त नहीं बनना चाहेंगे, ये सोचेंगे कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं ये कार्य नहीं करूँगा, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगा, भगवान की इस तरह से सेवा अगर मैं टालूंगा, तो आपके लिए क्या है, ये लाभदायक नहीं है। क्योंकि आप एक तो भगवान की सेवा छोड़ रहे हैं और दूसरा आपके मन को जो अच्छा लगे वही कर रहे हैं, मतलब आप क्या है, अभी भी आप प्रकृति के गुण के अंदर ही स्थित रहे हैं। क्योंकि आपका मन क्या है, प्रकृति के गुण के अंडर में, और प्रकृति के गुण के अंडर में मन होने की वजह से वो जो बोलेगा वो कार्य भी प्रकृति के गुणों के और प्रकृति भौतिक प्रकृति के इस स्पीयर के अंदर ही आ गया, उसके बाहर तो नहीं गया, वो दिव्य स्थिति में नहीं गया, इसलिए उससे आपको बंधन लगेगा। तो ये उसका ये पार्ट है। यानी कि अगर अर्जुन एक ड्यूटी वे में, यानी कि कर्मयोग की अगर भाषा में लेंगे तो ड्यूटीफुल वे में, मतलब एज अ क्षत्रिय, ये मेरा क्षत्रिय धर्म है, मुझे इनका युद्ध में जो मेरे सामने शत्रु है उनका विनाश करना है, ये मेरा क्षत्रिय का धर्म है, उस हिसाब से करेगा तो उसे कर्म नहीं लगेगा, राइट। और अगर ये तो केवल कर्म नहीं लगेगा और उसे मुक्ति मिलेगी, यानी कि कर्म नहीं लगेगा, लेकिन इसके आगे भी अगर उसको भक्ति चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये कर्म केवल मुझे मुक्त नहीं कर रहा है लेकिन भगवान की भक्ति दिला रहे हैं, उनके डायरेक्ट सेवा कर रहा हूँ, इस भावना से उसे करना है। तो ये हो गया पहला, टू सी इन एक्शन, इन एक्शन यानी कि कर्म में अकर्म देखना है, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गया। और दूसरा कैटेगरी, पश्यत अकर्मणि च कर्मय, यानी कि अकर्म में कर्म देखना है अभी आपको, अकर्म में कर्म, अनुवाद में देखिए उसका। तो अभी अकर्म में कैसे कर्म देखेंगे, यानी कि कोई व्यक्ति अकर्म कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसके पास कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसको कोई बंधन नहीं लग रहा है, लेकिन एक्चुअली उसको उसके हाथ से क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है, उसको बंधन लग रहा है कर्म का। जैसे कि कोई अगर ये तृतीय अध्याय में भी जा चुका है आपको, स्वमिथ्याचार से उच्चत करके श्लोक था वो, यानी कि वही व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं तो विरक्त सन्यासी हूँ, मैं एक जगह पे बैठा हूँ, मैं विरक्त हूँ, ठीक है, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति क्या है, अकर्म कर रहा है, कोई कर्म ही नहीं, उसको कोई बंधन ही नहीं लग रहा है, लेकिन एक्चुअली कर्म कर रहा है। कैसे, कर्मेन्द्रियाणि संयम या हस्ते मनसा स्मरण, यानी कि मन के अंदर वो अगर विषय के ऊपर, विषय वस्तु के ऊपर अगर चिंतन कर रहा है तो उसको क्या बन रहा है, कर्म का बंधन लग रहा है, क्योंकि ये मन के अंदर की जो एक्टिविटी हो रही है वो भी एक क्रिया है, और उस क्रिया से क्या हो रहा है, वो किसी चीज़ से आसक्त हो रहा है, और उस चीज़ से आसक्त होने की वजह से उसको उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया अकर्म के अंदर कर्म को देखना। पहले हमने कैटेगरी देखा था कर्म कर रहा है लेकिन कर्म के अंदर आपको अकर्म देखना है, यानी कि कोई कर्म नहीं हो रहा है, बंधन नहीं लग रहा है उसे। और दूसरा कैटेगरी है अकर्म के अंदर कर्म को देखना। और जो बंधन लगने का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पहली बार बहुत बताया है, वापस रिपीट करता हूँ ताकि आपको सिंपल भाषा में समझ, आप कन्फ्यूज ना हो जाए। किसी भी चीज़ का हमें बंधन लगना या न लगना मतलब है क्या एक्चुअली, है किसी भी चीज़ का बंधन लगना मतलब क्या है, समझो आपको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट आपको खेलना अच्छा लगता है, क्रिकेट आपको देखना अच्छा लगता है, क्रिकेट का आपको कमेंट्री सुनना अच्छा लगता है, क्रिकेट का पोस्टर सबको देखना अच्छा लगता है, वीडियो देखना अच्छा लगता है, राइट। तो ये सब अलग अलग प्रकार के क्रिकेट के प्रति होने वाली आसक्तियाँ हैं,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई क्रिकेट देखे या ना देखे, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूँ। तो देखिए, अभी कुछ आईपीएल मैच चल रहा है, तो आप बोलेंगे अरे ये कुछ लोग देख रहे हैं कुछ लोग नहीं देख रहे हैं, इसको करना, तो आप वो सब आप अपना हिसाब लीजिए, लेकिन मैं आपको सिद्धांत वाइज बताता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ के प्रति ज़्यादा प्रेम करते हैं तो उस चीज़ से आपको प्रेम करते हैं, मतलब आपको चीज़ अच्छी लगती है तभी आप उससे प्रेम करते हैं, तो उस चीज़ के प्रति आपका आकर्षण और आपकी आसक्ति बढ़ती है, और वो आसक्ति आपको हमेशा उसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहती है, राइट। अब जिसको क्रिकेट अच्छा लगता है वो कभी कभी अपना खाना भी छोड़ देता है, क्रिकेट मैच देखना है या खेलना है, तो उतना उसमें वो पूरा उसका चित्त उसमें इतना फंस जाता है कि उसको वही चीज़ चाहिए। और अगर यही चीज़ जन्म के शुरू से लेकर मृत्यु के अंत तक चलती रहे और मृत्यु के समय में भी उसी चीज़ का अगर चिंतन हो और याद आए, तो प्रकृति ये जो सिस्टम बनाया भगवान ने, सॉफ्टवेयर इस दुनिया का, हमारा शरीर, ये मन बुद्धि और ये प्रकृति जो तीन गुणों से अधीन रहकर अलग अलग प्रकार के इंद्रिय वस्तुएं बनाती हैं, तो अगला जन्म हमको प्रकृति क्या देगी, बोलेगी इस व्यक्ति की इच्छा क्या थी, इसको और क्रिकेट खेलना है, तो उसका अगला जन्म क्या होगा, कोई क्रिकेटर बनेगा अगर उसका अच्छा उसने कर्म किया है, या फिर आपको क्रिकेटर बनने के लिए अच्छा कर्म नहीं चाहिए, आपको क्रिकेट खेलने के बाद उतना आपको प्रसिद्धि भी मिलना चाहिए, आपको खेल में उतना सफलता आना चाहिए, उसके लिए पुण्य कर्म लगेगा, लेकिन आपकी उस चीज़ में आसक्ति है, इसलिए आपको क्या होगा, वापस जन्म दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा, देखिए क्रिकेट और या क्रिकेट खेलिए, या क्रिकेट के, हो सकता है क्रिकेट के मैदान में आप कुछ जीव बन जाए, क्योंकि आपका आसक्ति इतना था क्रिकेट से कि आप क्रिकेट के मैदान में या क्रिकेट जो प्लेयर हैं उनके स्टेडियम में रूम में कहीं कुछ भी चीज़ बन जाए आपको, क्योंकि उस चीज़ से आसक्ति थी, इसको बोलते हैं बंधन। यानी कि जो चीज़ से आप आसक्ति उत्पन्न करेंगे, उस चीज़ को अगर आप जन्म मृत्यु के समय तक अगर उसका चिंतन करते रहेंगे, वही चीज़ मुझे चाहिए, वही चीज़ मुझे चाहिए, तो उसको बोलते हैं बंधन, यानी कि उस चीज़ से हम बंध जाते हैं, और अगले जन्म में आपको उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए वापस इस जगत में जन्म लेना पड़ता है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है बंधन का, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि कर्म में आप अकर्म देखिए, यानी कि जो व्यक्ति कर्म कर रहा है लेकिन उसको बंधन नहीं लग रहा है, वो एक्चुअली अकर्म कर रहा है, अकर्म यानी कि एक तरह से भक्ति कर रहा है, क्योंकि भक्ति में जो भी कार्य किए जाते हैं उसका कोई बंधन नहीं लगता है, कर्म नहीं लगता है। और दूसरा, कोई व्यक्ति अकर्म कर रहा है लेकिन एक्चुअली अकर्म नहीं हो रहा है, उससे कर्म हो रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति के मानसिक स्तर पर जो क्रियाएँ हो रही हैं उसको बंधन कारक बन रही है, क्योंकि मानसिक स्तर पर बैठ के सोच रहा है, भले है वैराग्य लेकिन वो सोच रहा है कि ओके मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, वो बंगला चाहिए, वो कार चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो फिर उससे उस चीज़ की आसक्ति बढ़ती जा रही है, और फिर प्रकृति ऐसा सिस्टम अरेंजमेंट करेगी कि उसको अगले जन्म में या हो सके इसी जन्म में वो चीज़ें मिलने के लिए सुविधा दी जाएगी, क्योंकि उसकी इच्छा है वो। तो 18 नंबर के तात्पर्य में जाते हैं, ये समझ रहा हूँ कि आप कन्फ्यूज नहीं हुए हैं, तो 18 नंबर के तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है, उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है। यानी कि अभी यहाँ पे केवल मतलब स्ट्रेट प्रभुपाद एक भक्त का चेतना कैसे होता है बता रहे हैं कि जिसकी वजह से उसको कर्म नहीं लगता है। लिखते हैं कि फलस्वरूप यानी कि भक्त वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो, है ना। जो ज्ञानी होते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो मायावादी होते हैं, वो सोचते हैं कि अरे कोई कार्य नहीं करना है, बंधन लगेगा बंधन लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। आप बैठे रहेंगे लेकिन आपका मन तो एक्टिव है, आपका मन तो घूमता रहेगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि ये व्यक्ति डर के अपने आप को कंट्रोल करते, नहीं नहीं मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वहाँ नहीं जाना है, उस कार में नहीं बैठना, ये नहीं कर, एकदम बंधन नहीं चाहिए मुझे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूँकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं,
अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। देखिए कितना आनंदमय है ये, यानी कि जो भक्तिमय कार्य किए जाते हैं उसको करने की वजह से आपको एक तो कर्म नहीं लगता है, फर्स्ट थिंग, क्योंकि आप ये भगवान के लिए कर रहे हैं, आपका चित्त जो है भगवान में लगा हुआ है, आपकी जो आसक्ति है वो भगवान से हो रही है, क्योंकि आप ये कर्म किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। और दूसरा, चूँकि ये जीव का स्वाभाविक स्थिति है इस तरह का कर्म करना, इसलिए उसको उसमें दिव्य आनंद भी मिलता है। प्रॉपर लिख रहे हैं यहाँ पे, जो लोग इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं, कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसी सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। यानी कि ये पिछले जितने भी श्लोक आएंगे और जाएंगे आगे, आप इसमें आपको कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन इतनी एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं अपने आप को भगवान की सेवा में लगाऊंगा तो भगवान की सेवा में लगते हुए जो भी कार्य मैं करता हूँ वो मेरे लिए केवल मुक्ति का मार्ग खोल देंगे, बंधन का नहीं। और आप बोलेंगे कि लेकिन भगवान की सेवा में लगने के लिए जॉब छोड़ना पड़ेगा, भगवान की सेवा में लगने के लिए आश्रम में ज्वाइन होना पड़ेगा, ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा, सन्यासी बनना, ऐसी बात नहीं है। भगवान की सेवा करने के लिए आपको क्या करना है, केवल आपकी चेतना को विकसित करना है। क्या चेतना को विकसित करना है, देखिए जिस व्यक्ति को कर्म लगता है और जिस व्यक्ति को कर्म नहीं लगता है, उन दोनों में केवल एक ही फर्क है, चेतना का। क्योंकि जो व्यक्ति कार्य करने वाला है उसकी चेतना होती है, मतलब जिस व्यक्ति को बंधन नहीं लगता उसकी, उस व्यक्ति की चेतना यही है कि मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ। और जिस व्यक्ति को बंधन लगता है वो व्यक्ति की चेतना है कि सब कुछ मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, ये मेरा है। तो जिस तरह से समझो आप कोई गृहस्थ है, यहाँ पे कुछ ब्रह्मचारी भी रहेंगे, तो जो गृहस्थ है उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर ब्रह्मचारी बनूंगा या मैं कहीं संन्यास लूंगा या एक जगह पर स्थिर रह के भजन करूंगा तो ही मैं भावबंधन से मुक्त हो सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जो व्यक्ति जहाँ है वहीं स्थित रहे, स्थान स्थिता, और अपने जगह पर रहते हुए जो भी कार्य वो कर रहा है वो यह समझ के करें, और प्रैक्टिकली करें, खाली समझ के नहीं, कि यह समझ के करें कि यह मैं किसके लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए। जैसे कि आप घर में रहते हैं, आपके पास घर में बच्चे हैं, नौकरी है, पत्नी है, बाकी सके संबंधी है, तो आप ये सब किसके लिए कर रहे हैं, सब प्रपंच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप के जीवन का उद्देश्य है कि आप सबको भक्ति में ले आए, राइट। आप जैसे कि देखिए, अगर आप हैं, आपको जीने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ना, घर चाहिए तो घर बनाना पड़ेगा, राइट। अब इस समाज में रहते तो अच्छा कपड़ा पहनना पड़ेगा, लेकिन ये सब हम क्यों कर रहे हैं, इस शरीर को मेंटेन क्यों कर रहे हैं, या फिर हम क्यों खा रहे हैं, ताकि हम हमारे साथ जो लोग हैं उनको भक्ति करने में मदद कर सकें, या फिर हम खुद भी भक्ति कर सकें। तो ऐसा अगर हम भाव करके रखेंगे कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कर रहा हूँ, तो हमें कभी बंधन नहीं लगेगा। तो जितने भी पिछले श्लोक जाएंगे और आएंगे उन सब में आपको एक ही कंक्लूजन निकालना है कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा ये समझ कर करता है कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये शोबाजी नहीं है, या फिर ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे कोई दो चार चीज़ें मिल जाती हैं, या ऐसे थोड़ा सोशल गैदरिंग होता है, मज़ा आता है, नहीं, या फिर मैं भक्ति रस्ते कर रहा हूँ इसलिए नहीं कि ये कोर्स करके मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, ये कोर्स करने के बाद मेरा टीचिंग करने का मौका मिलेगा, ये सब चीज़ें हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको बढ़ाने के लिए मौका मिलेगा, किसी का ब्राह्मण दीक्षा होगा, किसी को एक टाइटल मिलेगा भक्ति शास्त्री है वो, लेकिन इससे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप ये सब चीज़ कर रहे हैं क्योंकि आप भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं, भक्ति कैसे की जाती है उसके बारे में जानना चाहते हैं, ताकि आप भगवान से और प्रेम कर सकें, भगवान के भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार रख सकें, और एक साथ सब मिलकर भगवान को प्रसन्न करके भगवत, यहाँ तक ये भी नहीं कि हम भगवत धाम की प्राप्ति करना चाहते हैं, इस लेवल तक हमें सोचना चाहिए, क्योंकि वो मुझे कुछ प्राप्ति करना है, भगवत धाम जाना, ये भी एक स्वार्थ की भावना है। हमारा केवल उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, मैं चाहे इस भौतिक जगत में रहूँ या मैं आध्यात्मिक जगत में जाऊँ, या मैं ब्रह्मचारी आश्रम में रहूँ या गृहस्थ में रहूँ या मैं कहीं भी रहूँ, मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। जो जो वहीं रहे, जहाँ जिसको कंफर्टेबल लग रहा है, आप वहाँ कंफर्टेबल लग रहे हैं आप वहाँ रहिए, मुझे यहाँ कंफर्टेबल लग रहा है मैं यहाँ पे हूँ। हम सब अपनी अपनी जगह पर रह के एक दूसरे को एक आदर्श उदाहरण आश्रम का प्रस्तुत करते हुए, सेवा करते हुए आगे बढ़ना है, तो हमें कर्म का बंधन कभी नहीं लगेगा। तो ये 18 नंबर तक बताया गया श्लोक में। तो अभी ये जो 18 नंबर का श्लोक है,
18 नंबर के श्लोक में, ज़्यादा समय नहीं और केवल 15-20 मिनट लूँगा आपका, ये 18 नंबर के श्लोक में जो पहला लाइन है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, मतलब वो व्यक्ति कर्म कर रहा है लेकिन उसको कर्म नहीं लग रहा है, यानी कि अकर्म कर रहा है वो, यानी कि कोई भी कार्य कर रहा है लेकिन वो भक्तिमय कार्य, उसे बंधन नहीं लग रहा है, उस चीज़ को भगवान अभी आने वाले अगले 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये 6 श्लोकों में विस्तार से बताएंगे कि कर्म के अंदर अकर्म कैसे देखना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं श्लोक नंबर 19। मैं एक सेकंड के लिए बैटरी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत बैटरी है और एक घंटा चल सकते हैं लेकिन इतना नहीं चलाएंगे। आप किसी को ब्रेक लेना होगा तो आप पॉज कीजिए, ब्रेक लेके आइए। ठीक है, अभी श्लोक नंबर 19। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानावधि धर्म दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। अनुवाद, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, यानी कि देखिए वापस वही चीज आ रही है, जिस व्यक्ति का कोई भी कार्य, उद्यम लिखा है प्रभुपाद ने ब्रैकेट में, यानी कि कोई भी कार्य, कोई भी प्रयास, एंडेवर इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। यानी कि मैं जो कोई भी कार्य करने की कोशिश कर रहा हूँ उसने इंद्रिय तृप्ति की मेरी कामना नहीं है, तो कौन सी कामना है वो प्रभुपाद तत्व ने बताएंगे। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। यानी कि उस व्यक्ति को ज्ञान है कि मुझे जो भी कोई कार्य करना है वो क्या नहीं करना है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से नहीं करना है। जैसे मैं पिछली बार से कई बार बताता जा रहा हूँ, देखिए पूरे गीता का कंक्लूजन इसी पॉइंट में आता है बार बार कि हमें अपनी चेतना को ठीक करना है, जो चेतना हमारी जो खराब हो गई है उसको शुद्ध करना है। और हमारी खराब चेतना क्या है कि इस जगत में जो भी चीज़ है वो मेरे भोग के लिए बनी हुई है, और किसी भी चीज़ को मैं क्यों कार्य कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसमें से भोग चाहिए। ये जो हमारी चेतना है इसे हमें बदलना है। गीता एक तरह से बहुत ही सिंपल चीज़ है समझने में और पढ़ने के लिए। गीता को अगर आप इन सिंपल प्रभुपाद के शब्दों में समझेंगे तो एक मिनट में आप समझ सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा टेक्निकली अगर एनालाइज करना चाहेंगे ये श्लोक में ये ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं तो शायद आप समझ भी नहीं पाएंगे कितने सालों में। लेकिन अगर प्रभुपाद के शब्दों को अगर आप समझे लेंगे यथारूप तो थोड़े समय में समझ सकते हैं। सारे इसका कंक्लूजन क्या है कि कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं उसको हमें इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से, यानी कि इसमें से मुझे कुछ सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, इस भावना से नहीं करना है। हालांकि कोई भी अगर हम कार्य करेंगे तो उसमें से नेचुरली अच्छा कार्य करेंगे तो नेचुरली उसमें से सुख उत्पन्न होगा। समझो आपने अगर किसी को हेल्प किया, रास्ते में कोई आदमी चल रहा है, समझो कोई लंगड़ा आदमी चल रहा है, उसको चलने में नहीं हो रहा है, तो अगर आपने जाके उसको हाथ से पकड़ के अगर अच्छे तरह से चल के रोड क्रॉस करवा दिया तो इस एक्टिविटी में आपको बाय डिफॉल्ट आनंद मिलेगा क्योंकि जीव का स्वभाव है सेवा करना। लेकिन हमें ये सोच के नहीं करना चाहिए कि मैं उसकी सेवा करूँगा तो चार लोग मेरा फोटो निकालेंगे, फिर फेसबुक में डाल देंगे, इंस्टाग्राम में डालेंगे, लोग मेरी वाह वाह करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नहीं, ये अगर ऐसा मेंटेलिटी तो हमारा फिर वो जो कार्य करने का जो उद्देश्य है वो ये नहीं कि मैं उसको मदद करना चाहता हूँ। हमारा उद्देश्य क्या है कि मुझे उसमें से सटल लेवल पर क्या मिले, इंद्रिय तृप्ति मिले। यानी कि देखिए ग्रॉस लेवल पर स्थूल स्तर पर जो इंद्रिय तृप्ति होती है वो है मैं अच्छा खाऊँ, अच्छा पहनूँ, अच्छा दिखूँ। और सूक्ष्म स्तर पे इंद्रिय तृप्ति क्या होती है कि कोई मेरे को सलाम करे, कोई मेरी पूजा करे, मुझे कुछ प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले, मैं बड़ा फेमस हो जाऊँ दुनिया में, ये सब सूक्ष्म स्तर की इंद्रिय तृप्तियाँ हैं। तो हमें स्थूल प्रकार की जो इंद्रिय तृप्तियाँ हैं ग्रॉस लेवल की उसको छोड़ के, जो सटल लेवल पर जो इंद्रिय तृप्तियाँ हैं उसको छोड़ के हमें कार्य करना चाहिए ऐसे स्तर पर आके कि मुझे केवल ये कार्य इसलिए करना है क्योंकि मैं या तो भगवान